सवाल है, जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों को कैसे नष्ट करें? तीन मेजर तरीके होते हैं किसी भी तरह के कर्मों को समाप्त करने के लिए। एक कर्म है जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं, जो तीर अभी स्टोर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, जो तीर अभी स्टोर पड़े हुए हैं वो संचित कर्म है, पिछले सारे जन्मों के कर्मों का वो निचोड़ है जो वहां पर पड़े हुए हैं। एक कर्म है जो पक चुके हैं, जो तीर अब चल चुका है, जो तीर कमान से निकल चुका है, चल चुका है, उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी कि इस जीवन में जो कर्म आपको फल देने के लिए बने हैं उनको छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका आप एकदम से समाधान, मैं कहूं कि एकदम से वो करेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं पॉसिबल। जो तीर छूट चुके हैं वो इस जीवन के प्रारब्ध कर्म है। लेकिन जो कर्म जो अभी जो तुनीर में पेंडिंग है ना, जो तुनीर में जो तीर पड़े हुए हैं वो है संचित कर्म, वो है जन्मों जन्मों के संचित कर्म। उसको नष्ट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए क्या कहा जाता है? तो उसको दूर करने का जो सबसे उत्तम उपाय है, पहली जो चीज है वो है माफी प्रार्थना। कर्म का जो बिल्कुल सीधा सीधा प्रार्थना है, जो रूल है, उसके जो नियम है, कर्मों के बंधन से छूटने का जो उपाय है, मैं आपको वही उपाय से बता रहा हूं। पहला जो उपाय है, पहला जो कर्मों के बंधन से छूटने का प्रार्थना है, अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करें। ब्लेम गेम मत करें कि कोई परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसका सिंपल सा अर्थ है, पहली चीज है अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना। यानी कि अगर मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए केवल और केवल मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ है तो मेरी समस्याओं के लिए कोई दूसरा, कोई तीसरा पर्सन जिम्मेवार नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी जो चीज है वो है आत्मिक रूप से माफी मांगना। माफी मांगना मतलब पहली चीज जिम्मेवारी स्वीकार करना, और दूसरी चीज है आत्मिक रूप से माफी मांगना। माफी मांगना का मतलब सिंपली कि मन से, वचन से, कर्म से, अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। माफी प्रार्थना तो आप करो ही करो। जब आप माफी प्रार्थना करते हो तो इतना बड़ा चेंज आता है। माफी प्रार्थना में हम क्या कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है माफी प्रार्थना में वो है होपोनोपोनो प्रेयर की फॉर्म में आप कर सकते हैं इसको। माफी प्रार्थना में होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप किसके प्रति कहते हैं? आप उस व्यक्ति के प्रति कहते हैं जिसके प्रति आपसे कोई बुरा कर्म किया है, हुआ है। मतलब वो व्यक्ति इस जीवन में आपको तकलीफ दिए जा रहा है, तो डेफिनेटली होपोनोपोनो प्रेयर वो रास्ता है जिसके द्वारा आप अपनी सॉरी का भाव कन्वे करते हो, मुझे माफ कर दो, मैं धन्यवाद भी करता हूं, और आई लव यू का भाव का मतलब है, यहां पर भाव भेजा जाता है कि मैं एक प्रेम का भाव, एक यूनिवर्सल प्रेम का भाव, भ्रातृभाव का भाव मैं आपके प्रति ये भेजता हूँ, तो प्लीज मुझे क्षमा कर दो। ये प्रार्थना कितने दिन तक करनी है? कम दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ये प्रार्थना जरूर करें। कितने दिन तक करें? जब तक आपको तकलीफ में आराम नहीं आ जाता। मिनिमम 21 दिन तक जरूर करें, आप गजब के परिणाम देखेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर है जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हिंदी में आप ऐसे भी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे दिव्य आत्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हे मेरे स्पिरिट गाइड, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करें, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मैं माफी चाहता हूं, और मैं उस व्यक्ति के प्रति संदेश देना चाहता हूं कि आई लव यू एंड थैंक यू। और किसी और ने मेरे प्रति अगर गलती की है तो मैं अभी और यहीं आपकी उपस्थिति में उससे माफी मांगता हूं और उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद का संदेश देना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। कितनी बार करें? दिन में कम से कम 108 बार, 40 दिन तक करें, या अगर ज्यादा बार 10-15 मिनट कर लेंगे ना इसको, तो फिर आप इसको 21 दिन भी कर सकते हैं। टाइम बढ़ा दें तो ड्यूरेशन जो है ओवरऑल कम कर सकते हैं। ये तीसरा है। और दूसरा जो है परमात्मा की शरण में जाकर सच्चे दिल से उनके नाम का जाप करें। तीसरा उपाय है शरण में जाकर सच्चे दिल से नाम का जाप करें। कौन से नाम का जाप करें? जो भी अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के दिए हुए नाम का जाप करें, और गुरु नहीं है तो जो भी नाम आपको उचित लगे उसका जाप आप कर सकते हैं। अपने इष्ट गुरु भगवान, जहां आपकी श्रद्धा हो उनके नाम का आप जाप कर सकते हैं। जैसे सबसे उत्तम जो मंत्र है पाप नाशक मंत्र है, जो उनमें से सबसे उत्तम मंत्र है गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपके अंदर तक जाके पापों की मैल को नष्ट कर देता है, वो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या गुरु का दिया हुआ मंत्र। गुरु का दिया हुआ मंत्र सर्वोपरि है। गुरु महाराज जी ने चाहे आपको कोका कोला जपने को क्यों ना दे दिया हो, उनकी बात ही अलग है। वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उससे बढ़कर कुछ और नहीं। तो अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र हो तो पहले वो जपे, अन्यथा
कोई और मंत्र की भी आप जो भी जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय, और सच्चे दिल से कि माफी मांगते हुए नाम का जाप करें। कौन सा समय रखें नाम जाप करने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम है, गोल्डन टाइम पीरियड है सर्वोत्तम ब्रह्म मुहूर्त में नाम का जाप करने का। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? दान करें, जो सेवा जो गलती हुई है उसके लिए दान। इसीलिए सारी दुनिया में दान का ट्रेंड होता है कि कोशिश करो कि आपके अंदर से आप जो है ना वो दान कर पाओ, तो दान से जो है आपके कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जरूर करें।